हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। परंतु निष्काम कर्मयोग ये सिखाता है कि फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना ही है। हे केशव, कोई भी मनुष्य एक ही क्षण में आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है? जब वो कर्म करता है तो उसके फल की आसक्ति तो उसे कर्म का हिस्सा होती है, जिसके अंतर्गत फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है। हे अर्जुन, बस यही से निष्काम कर्म योग की साधना शुरू होती है। अर्थात तुमने कहा कि प्राणी फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है, परंतु निष्काम कर्म योग यह सिखाता है कि फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए, अपने धर्म का पालन करने के लिए कर्म करो। फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म करना ही है। हे अर्जुन, इस निरासक्त योग को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति आ जाएगी। हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं? इस योग के नियम क्या है? उसकी साधना के लिए कोई हजारों वर्षों की तपस्या की आवश्यकता नहीं, इसकी साधना तो एक ही क्षण में हो जाती है। एक ही क्षण में? हाँ, एक ही क्षण में। जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है, वही क्षण। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। हे पार्थ, तुम कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प कर सकते हो, परंतु इसका फल पाना तुम्हारे हाथों में नहीं है। हे मधुसूदन, मैं जिस काम का संकल्प करूंगा वो काम तो मैं करूंगा ही। जब भोजन करने का निश्चय करके बैठूंगा तो निवाला उठाकर मुंह में रखूंगा ही, तभी तो उसे खाऊंगा। यदि वो खाने का निवाला तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो उसे तुम मुंह तक तो ले जाओगे, परंतु उस ग्रास का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रख सकोगे। हे अर्जुन, केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है।